तो हम लोग आए हैं यहाँ गरम धर्म ढाबा। गरम धर्म ढाबा ये है धर्मेंद्र जी का, जो एक फिल्मी एक्टर है, उन्हीं का है। तो आज हम चलते हैं अंदर, बहुत सारी भीड़ है। साइकिल क्रिसमस का लग, और लो तुम। तो यहाँ हम लोग लंच करने के लिए आए हैं। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर, आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। और आप सबका नया साल कैसा रहा, कैसे मनाया आप सब ने? तो हमने भी नए साल पर छोटा मोटा सेलिब्रेशन किया था। घर पे तो कुछ कर नहीं पाए, तो हमने सोचा कहीं बाहर घूम के आते हैं। ज़्यादा दूर तो नहीं गए, क्योंकि बापू छोटा है हमारा, कार्तिक अभी छोटा है, तो ज़्यादा दूर नहीं गए क्योंकि ठंड वंड लग जाए बाइक पर। इसलिए हमने सोचा कि हम आसपास कहीं घूम के आएँ। तो देखा कि हमें गरम धर्म ढाबा, जो आपने नाम सुना ही होगा, ये धर्मेंद्र पाजी का ढाबा है। और ये एक मूर्थल में, एक नोएडा में है और एक गाजियाबाद में है। तो ये हमारे रूम के नियरेस्ट है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो हम यहाँ पे गए, सबसे पहले हमने मॉर्निंग की शुरुआत जो की वो मंदिर से की। वहाँ का मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई क्योंकि काफ़ी भीड़ थी। इसलिए मंदिर जाने के बाद फिर मौसम अच्छा था, तो हमने सोचा कि क्यों ना चल के थोड़ा बहुत कुछ खाया पिया जाए। तो हम लोग गरम धर्म ढाबे पे गए और वहाँ जाके देखा कि काफ़ी लोग आ रहे थे और अच्छा भी लग रहा था। मैंने तो यहाँ फर्स्ट टाइम आई हूँ और मुझे काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पर। अगर आप लोग आए हुए हैं, जो भी आए हैं, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं आपको सजेशन करना चाहूँगी कि ये फैमिली के लिए अच्छा रेस्टोरेंट है। एक आप यहाँ आके पार्टी भी कर सकते हैं दोस्तों के साथ, और फैमिली के साथ लंच भी कर सकते हैं, डिनर भी कर सकते हैं आप आके यहाँ पे। बहुत अच्छा है। और यहाँ पे आपको धर्मेंद्र पाजी की काफ़ी सारी फ़ोटो मिल जाएंगी। मतलब डेकोरेशन का है ना, बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ पे आके। और देखिए यहाँ पे इनकी काफ़ी बड़ी फ़ोटो भी थी, और कार्तिके को भी अच्छा लग रहा था, वो खेल रहा था। फिर मेन्यू भी काफ़ी अच्छा था। ये प्योर वेजिटेरियन है, मगर आपको यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और यहाँ पे फिर हमने लंच करने के बाद हमने यहाँ फोटो शूट कराया। शोले मूवी का पीछे पोस्टर लगा हुआ है, पाजी की यहाँ बाइक का भी दे रखा है, जो शोले मूवी में दिखाई गई थी बाइक। तो मैंने कार्तिक को उसमें बैठा दिया, वो पूरा नीचे चला गया और फिर मैं फोटो शूट कराने गई। फिर यहाँ पर हमने सेंटा क्लॉज के साथ भी फोटो शूट कराया। थैंक यू डार्लिंग, आई विल टेक ओवर फ्रॉम देयर। तो दोस्तों, वैसे तो ये फैमिली के लिए बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है, अगर आपका मन करे तो एक बार जरूर आइए। साफ सफाई बहुत अच्छी है, स्टाफ भी बहुत बढ़िया है, और ओवरऑल आपको पूरी फिल्मी फीलिंग मिल जाएगी यहाँ पर। आप धर्मेंद्र के काफ़ी सारे अवतार देखेंगे,
मूवी के जो उन्होंने किरदार किए हैं वो सब आपको देखने को मिलेगा। खाना बहुत टेस्टी था, एक जो एक अच्छे रेस्टोरेंट में होना चाहिए वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। ये वाला जो रेस्टोरेंट है ये वेजिटेरियन है, और अगर आपको कभी भी यहाँ पर आना होता ना तो इस रेस्टोरेंट के बाहर एक आपको एक कुल्फ़ी वाला मिलेगा, तो उसकी ना कुल्फ़ी जरूर ट्राई कीजिएगा। तो सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, यहाँ पर बच्चों का भी पूरा ध्यान रखा गया है। अगर आप छोटे छोटे बच्चों के साथ आते हैं तो उनके खेलने के लिए पूरी व्यवस्था की गई है। यार देखिए स्कूटर के ऊपर टेबल लगा कर कितना अच्छे तरीके से बनाया हुआ है, तो ये भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। ये सब चीज़ें आपको एंट्री में करते ही देखने को मिलेगी। और यहाँ पर एक चीज़ और छोटी सी देखने को मिलेगी, ये है बायोस्कोप का एक मॉडल रखा हुआ है। तो ये एक ओरिजिनल बायोस्कोप नहीं है, उसी के तरीके से बनाया हुआ है, और ये एक उनकी एक छोटी सी अलमारी है। तो शायद आप लोगों में से काफ़ी लोग नहीं जानते होंगे कि बायोस्कोप क्या होता है। तो आजकल की जनरेशन तो नहीं जानती होगी कि बायोस्कोप होता है क्या। तो बेसिकली क्या होता है ना कि पहले जैसे ही गलियों में आते हैं मूंगफली वाला, चने वाला, तो ऐसी गलियों में पहले आया करते थे बायोस्कोप वाला। तो इसी तरीके की छोटी सी पेटी हुआ करती थी लकड़ी की। तो बायोस्कोप है ना दोस्तों एक छोटी सी दूरबीन टाइप का एक होता था, तो उसमें अगर आप आँख लगाकर देखो तो ऐसा लगता था कि आप मूवी थिएटर में बैठे हो और सामने आपको चित्र दिखाई देते थे, किसी हीरो का पोस्टर या फिर किसी हीरोइन का पोस्टर या फिर किसी मूवी का फ़ोटो होता था, तो वो देखते थे और बहुत अच्छी फीलिंग आती थी। मेरा यकीन कीजिए बहुत मज़ा आता था उसको देखने में। और जब भी वो गलियों में आता था ना तो चिल्लाता था कि बायोस्कोप वाला, बायोस्कोप वाला। उसकी टिकट होती थी यही कोई 50 पैसे या फिर 1 रुपये शायद, मैं तो देखा है, बट अब तो खैर नहीं आएगा। अब तो लोगों के पास हर हाथ में मोबाइल है, घर घर टीवी है। तो अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।